एक बहुत ही अच्छी न्यूज है स्पेशली यूपी के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि स्टेट के हर स्टूडेंट को कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। इस स्कीम का नाम अभ्योदय रखा गया है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग बसंत पंचमी से स्टार्ट होगी। आपको बता दूं कि बसंत पंचमी के दिन गॉडेस सरस्वती की पूजा होती है और उसी दिन योगी गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को ब्राइट फ्यूचर देने के लिए बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया है। ये अनाउंसमेंट उन्होंने 71st उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की स्पीच में की जो कि संडे को हुई थी और उनके अकॉर्डिंग फ्रॉम द डे ऑफ बसंत पंचमी अभ्योदय द फ्री कोचिंग फैसिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द स्टेट अपीयरिंग इन वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस विल कमेंस। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हैं उनका एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा और इस पूरी फैसिलिटी के लिए यूपी गवर्नमेंट एक प्रॉपर पैनल सेटअप करेगी जिससे इससे रेगुलर अपडेट्स गवर्नमेंट तक पहुंचती रहे। और उनकी स्पीच में उन्होंने कहा कि इन द फर्स्ट फेज इट विल बी इन 18 डिविजनल हेडक्वार्टर्स ऑफ द स्टेट वेयर कोचिंग विल बी इम्पार्टेड फिजिकली एंड वर्चुअली। ऑफिशियल्स विल ऑल्सो डिवोट देयर टाइम एंड एक्सपर्ट्स विल बी ऑल्सो पोस्टेड देयर। और इस स्कीम की क्लासेस फिजिकल एंड वर्चुअल दोनों मोड में कंडक्ट की जाएगी एंड सीएम एडेड दैट द क्लासेस विल बी हेल्ड फिजिकली एज वेल एज वर्चुअली एंड गाइडेंस विल बी गिवन फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस बी इट द नीट आईआईटी जेईई एनडीए सीडीएस और यूपीएससी एग्जामिनेशंस। द कोचिंग सेंटर्स विल गिव अ न्यू प्लेटफॉर्म टू यूथ एंड मोटिवेट देम टू स्किल न्यू हाइट्स। और इस अनाउंसमेंट के साथ साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना प्रॉमिस भी पूरा किया कि यूपी का कोई भी बच्चा अपने एजुकेशन के लिए दूसरे स्टेट ना जाए। योगी आदित्यनाथ ने यह चैलेंज तब लिया जब यूपी के 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स कोटा जाते थे कोचिंग करने के लिए और इस कोविड पैंडमिक के टाइम में भी उन्हें कोटा में ही रहना पड़ा था अपने एजुकेशन के लिए। और उसके साथ साथ उन्होंने यूपी गौरव सम्मान योजना का भी अनाउंसमेंट किया है जिसमें 3 से 5 सिटीजन्स जो कि स्टेट का नाम रोशन करेंगे उन्हें हर साल अवार्ड दिया जाएगा। वी हैव सीन दैट दिस ईयर द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आइडेंटिफाइड ओवर 1.43 लाख यूथ हु एक्सेल्ड इन वेरियस फील्ड्स एंड वर गिवन स्कॉलरशिप्स। फ्रॉम दिस ईयर वी विल बी आइडेंटिफाइंग 3 to 5 पीपल्स who have given a new identity to the state in the country as well as the world. We will be honoring them with a UP Gaurav Samman, he said. मैं यूपी गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ और इंडिया के हर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा इनिशिएटिव उठाना चाहिए जिससे इंडिया का हर बच्चा एजुकेशन पा सके, बिकॉज पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा और साथ ही साथ बाकी स्टेट गवर्नमेंट को भी ऐसा इनिशिएटिव उठाना चाहिए या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगाओ या हेल्पफुल लगाओ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।